नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज बहुत ही दुखद खबर देशभर के लिए सामने निकल कर आई है। अभी अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने भी शोक व्यक्त किया है, साथ ही साथ सभी तमाम मुख्यमंत्रियों ने भी शोक व्यक्त करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि देश भर के अंदर अभी अभी सड़क दुर्घटना के अंदर 11 लोगों की मौत हो जाने के बाद पूरे देश भर में शोक की लहर व्याप्त हो चुकी है। साथियों, मैं आपको बता दूं राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर जानकारी के मुताबिक यात्रियों से भरी बस गुजरात से मथुरा की तरफ जा रही थी। जयपुर हाईवे के ऊपर बस खराब हो जाने के बाद ड्राइवर ने नीचे उतरकर बस को ठीक करना शुरू कर दिया था, लेकिन अचानक पीछे से ट्रक ने आकर बस से टक्कर मार दी। इस हादसे में 11 लोग की अभी जान जा चुकी है और 20 जने अभी घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत गंभीर है। साथियों, इस पर पूरे राष्ट्रव्यापी शोक की लहर के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने भी ट्वीट करके शोक व्यक्त जरूर किया है। पुलिस ने बताया है कि यह बस गुजरात से भावनगर से चलकर जयपुर हाईवे पर जा रही थी और सुबह 5 बजे के करीब यह हादसा घटित हुआ था और मरने वालों में 6 महिलाएं और 5 पुरुष बताए जा रहे हैं। सभी को नमन है। सभी खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें।